चलिए सीधा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर है, पुलिस पर रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पिटाई के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मी की पिटाई से रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। गुस्साई परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। परिजनों ने पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज करने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर बल्लभगढ़ से, परिजनों ने की पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज करने की मांग। पुलिस पर लगे रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पिटाई के आरोप। पुलिसकर्मी की पिटाई से रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने किया पुलिस चौकी का घेराव। परिजनों ने पुलिस कर्मचारी पर मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस पर रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पिटाई के आरोप लगे हैं। तो पुलिसकर्मी की पिटाई से रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। परिजनों ने पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज करने की मांग की है। तो पुलिस पर रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पिटाई के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मी की पिटाई से रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। जितेंद्र बेनीवाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार पूर्वक जानकारी। बिल्कुल साधना, मैं आपको बता देता हूँ, ये बल्लभगढ़ देर रात कल बस अड्डे पुलिस चौकी का है जो पूरा मामला, जहाँ केले बेचने वाले व्यक्ति की मौत के बाद जो परिजन है चौकी का घेराव करा था हमने रात को। केले वाले की मौत के लिए परिजन चौकी में तैनात जो राम गोपाल है नामक पुलिस सर्विस पे जिम्मेदार उसको ठहराया गया है। तो मृतक के जो बेटे हैं उनने साफ तौर पर उस पर आरोप लगाए हैं कि उसके पिता हाईवे पर रोजाना की तरह रेडी लगाते थे और राम गोपाल नामक पुलिसकर्मी उसके पिता को पकड़कर चौकी में ले गया। वहाँ 3 घंटे तक पुलिस ने उसके पिता को रखा। उसके बाद जो पिता है उसके चौकी से बाहर निकले तो इस हालत में नहीं थे कि वह पैदल चल सके। पुलिस ने इसके जो पिता है उसकी खूब पिटाई की है। बेटे का साफ तौर पर आरोप है, जब वह अपने उसके पिता को अस्पताल ले जाने लगा तो पुलिसकर्मी ने उसके भाई के साथ भी मारपीट की है। मृतक का जो बेटा है इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जब इसी बात को लेकर जब फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जो 20 हजार बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी के इलाके में एक रेडी लगाने की मौत हुई है और पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया तो पुलिस को शिकायत मिल गई है और इस मामले में जांच पुलिस कर रही है। उचित कार्रवाई बनेगी और पुलिस उसे जरूर करेगी। जी साधना, बिल्कुल जितेंद्र, बात करें तो गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव भी किया है। अब परिजनों को क्या कुछ कहना है, क्या मामला हालांकि दर्ज कर दिया गया है, आगे का क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल साफ तौर पर जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाए थे जो पुलिसकर्मी है उसके जो पिता है रेडी लगाते हैं तो उसने उसको मारा पीटा है पुलिस चौकी के बाहर, फिर उसको बाहर छोड़ के गए। तो साफ तौर पर उनकी जो पिटाई के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है तो उसी को लेकर रात भर भी उन्होंने हंगामा किया था और सुबह भी फिर चौकी में जाकर वहाँ पर पूरा हंगामा किया। तो इसी को लेकर जो वहाँ के पुलिस प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर उसके मुकदमा शिकायत उनकी ले ली है और शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो परिजनों ने पुलिस कर्मचारी पर मामला दर्ज करने की मांग की है। रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पिटाई के आरोप जो है वो पुलिस कर्मचारी पर लगे हैं। रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है।